नमस्कार साथियों, डली जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता रहे, राजस्थान में RSSMB की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई थी फायरमैन की, उसके एडमिशन कार्ड अब जल्दी जारी होने वाले हैं। उसके एग्ज़ाम फिक्स हो गई है, कितनी तारीख को एग्ज़ाम होगी और कब से एडमिशन कार्ड डाउनलोड होंगे और कैसे डाउनलोड करने हैं, कौन से वेबसाइट डाउनलोड होंगे, सभी जानकारी के लिए आज जुड़े रहे हमारे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। देखो, जानते हैं कैसे डाउनलोड करना और कब से एग्ज़ाम है। सबसे पहले देख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं, ये देखो इन्होंने एग्ज़ाम फिक्स कर दिया 29 तारीख को, 29 जनवरी। ये देखो 29 जनवरी को फायरमैन सीधी भर्ती की एग्ज़ाम है, जो 2 घंटे के पेपर होगा, 10 बजे से 12 बजे तक। और सहायक अग्निशमन अधिकारी, उसकी भी 29 तारीख को, लेकिन उसको इवनिंग में एग्ज़ाम होगी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। दोनों का पेपर 2-2 घंटे का होगा, और दो घंटे का है तो फायरमैन का होगा, 2 घंटे का है सहायक अग्निशमन अधिकारी। इसका 2:30 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। और दोस्तों, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करने, कब से एडमिशन कार्ड मिलेंगे, इसके लिए यहाँ से देखते हैं हम। ये देखो इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ नोटिफिकेशन में पूरी पर। इन्होंने कहा है कि जो RSSMB की वेबसाइट है, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। 21 जनवरी 2022 से डाउनलोड होंगे। वेबसाइट पर लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से अपना एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों देखते हो, ये नोटिफिकेशन कल 19 तारीख को जारी किया गया था वेबसाइट पे। और ये हम देखते हैं कितना इसने कौन कौन से इसमें वो कर रखा है, इन्होंने क्या क्या लेके जाना है एग्ज़ाम में। अब देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, जो कोविड है उसको ध्यान रखा गया है इन्होंने। उन्होंने कहा कि मास्क लगा के ज़रूर आए, और क्या क्या लेके जाना सेंटर पे। इन्होंने कहा कि एक प्रवेश पत्र, उसके साथ कोई भी आईडी, जैसे आधार कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए। और कहा एक पासपोर्ट साइज की रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, और नीले रंग का पारदर्शी पेन भी होना चाहिए साथ में। पारदर्शी होना चाहिए पेन, ये ज़रूर रखना। अगर पारदर्शी नहीं हुआ तो वो अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने सब मेंशन कर रखा है यहाँ पे, देख सकते हो आप। ये देखो पारदर्शी पेन। और दोस्तों ये देखो इन्होंने कंडीशन में प्रोवाइड करे क्या क्या लेके जाना और क्या नहीं लेके जाना। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे देखो, बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री पेंसिल, बॉक्स और कैलकुलेटर आदि इनको अलाउ नहीं करेंगे। ये सब अपने घर पे छोड़ के जाए, एयरफोन, मोबाइल, ब्लूटूथ, जो भी है। और इन्होंने कहा है कि मास्क लगा कर जरूर आए, ड्रेस कोड का ज़रूर ध्यान रखें। ड्रेस कोड पर इन्होंने बोला है कि कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पहन कर नहीं आए। ये देखो इन्होंने कह रखा है, यहाँ इन्होंने कहा ये चीज़ें पहन के नहीं आए। इन्होंने कह रखा है सर्दी के हिसाब से आप पहन सकते हो स्वेटर, जर्सी, जो भी बिना बड़े बटन नहीं होने चाहिए, सीधा और साफ पूरी आस्तीन का कुर्ता नहीं होना चाहिए, ब्लाउज नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं पहननी चाहिए लेडीज ने। और इन्होंने कहा कि जो सादा बटन वाले हैं, सादा जर्सी, वो पहन के आ सकते हो। ये देखो अंगूठी, ब्रेसलेट आदि इन्होंने मना कर रखे पहन के ना जाए। मफलर, स्कॉल, शॉल आदि पहन ना जाए। बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन आदि लगा के ना जाए। इन्होंने साफ मेंशन कर रखा, फिर आप वहाँ जाके बोलोगे हमें पता नहीं था, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और इन्होंने कर रखा है कि आप एग्ज़ाम पे पहले ही पहुँच जाए 1 घंटा, और तो आप टाइम से पहले ही पहुँच जाए, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश आप लेट हो जाए, फिर बोलोगे अभी हमारी एग्ज़ाम छूट गई, तो आप पहले ही पहुँच जाए वहाँ पर। और आपको बताते कौन सी वेबसाइट डाउनलोड करना है। ये इनकी वेबसाइट है RSSMB.rajasthan.gov.in। यहाँ पे आपको बता सकते हैं कहाँ से डाउनलोड करना, हम आपको बताते हैं। चलो सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। इसमें डाउनलोड, इसमें साइट खोलते हैं RSSMB की, RSMSSB.rajasthan। आप ये भी सर्च करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे, देख नीचे RSSMB.rajasthan, इस पर क्लिक करोगे तो इसको, अगर आपके नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप मोड में खोल सकते हैं यहाँ जाके। ये देखो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट, न्यूज़ नोटिफिकेशन और एडमिशन कार्ड लिखा आएगा। आप एडमिशन कार्ड पे क्लिक करोगे तो इधर देखो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा मैंने, क्योंकि ये वीडियो मैं 20 तारीख को बना रहा हूँ, तो 20 तारीख को बना रहे इसलिए इन्होंने अभी तक डाला नहीं है। तो कल तक ये डाल देंगे किस तारीख का दे रखा उन्होंने,
तो यहाँ पे देखो एडमिशन कार्ड, उसमें लिंक आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टेनो के ऊपर जस्ट एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे आ जाएगा। इसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा आएगा, ये देखो ऐसा लिखा आएगा, वी एप्लीकेशन गेट एडमिशन कार्ड। तो यहाँ पे गेट एडमिशन कार्ड पे क्लिक करोगे, उसके बता रहा हूँ जो कल एडमिशन कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे डाउनलोड करना वो देखना। यहाँ पे आएगा मेंशन लिखा हुआ ना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आपको बता रहे थे सिलेबस क्या रहेगा, इसका सिलेबस के बारे में जानते हैं। जो फायर ऑपरेटर और फायर उसकी दोनों की एग्ज़ाम दे रखी है, फायरमैन के दे रखा है, और ये देखो दोनों के लिए फायरमैन का ये बी पार्ट और ए पार्ट दो पार्ट में होगा। तो ये देखो फायरमैन का, ये फायरमैन का सिलेबस है। तो इसके अंदर देखो ये दे रखा है पार्ट वन में, फायरमैन में होगा सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, और दसवीं के आधार पे बेस पे होगा 40 अंक का होगा और 80 का फायरमैन कोर्स कंटेंट होगा इसमें। तो टोटल 120 मिनट का होगा और 120 क्वेश्चन होंगे, मतलब 120 नंबर का पेपर होगा। तो ये देखो नीचे सिलेबस इन्होंने विस्तार से दे रखा है क्या क्या आएंगे इसमें। राजस्थान की भूगोल आएगी, आप देख सकते हो राजस्थान की भूगोल में राजस्थान का परिचय, पशुपालन, सिंचाई, स्वातंत्र, खनिज, वन जीव, कला संस्कृति भी आएगी इसमें। ये देखो ये इसमें बोलियाँ, पर्यटन, हस्तकला, राजपूत, आभूषण, देवी देवतियाँ, ये सब आएंगे देवी देवता। और राजस्थान की राजनीति भी आएगी इसमें, देखो राजस्थान की राजनीति में राजस्थान नगरीय स्वशासन, राज्य मानवाधिकार, निर्वाचन, सूचना, ये सब इसमें अंदर जीके के अंदर आएंगे। और मैथमेटिक्स से जो 5 अंक का होगा, तो मैथ के अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभानि, साझा, सरल व्यास, औसत, ये सब मेंशन किए हुए इन्होंने सिलेबस के अंदर। और ये देख सकते हो आप हिंदी के अंदर, ये हिंदी का सिलेबस है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, और ये विलोम शब्द आएंगे, सरल और मिश्रित अंग्रेजी वाक्य आएंगे जिसे हिंदी रूपांतरण पूछ सकता है इन्होंने। और इंग्लिश में वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये पूछेंगे, सिंपल है इंग्लिश का। तो छोटा सा सिलेबस है। और पार्ट बी के अंदर जो फायरमैन कोर्स है उसका कंटेंट में देखो क्या क्या आएंगे, ये 80 नंबर का आएगा और ये ऊपर का पूरा दे रखा है ना, ये पूरा 40 नंबर का आएगा। इन्होंने पहले मेंशन कर, इसमें से जनरल आएगी, जीके आएगी 20 नंबर की, 5 नंबर की मैथ आएगी और 10 नंबर की हिंदी आएगी, 5 नंबर की इंग्लिश आएगी। ये देखो इन्होंने, ये इसका कंटेंट है जो फायरमैन का, उसमें जो फायर कोर्स है ना उसके अंदर से पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री ऑफ फायर की, अग्निशमन, फिक्स फायर, होज और होज फिटिंग, वेंटिलेटर, अग्निशमन, बचाव, निस्तारण, विद्युत आग के खतरे, आग के प्रकार, ये सब। और ये देखो वाटर फॉर्म, CO2, DCP, वाटर मिक्स, सॉल्ट, ये सब पूछे जाएंगे। जो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे फायरमैन के जो कोर्स किया होगा तब ये पढ़ाएंगे सब अपने कोर्स के अंदर से, और सिंपल है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, डेली अपडेट करते रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस करें सब्सक्राइब के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।